हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे हो सब लोग? आए सारे अच्छे होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे। तो भाई अभी आया हूँ मैं नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है विष्णु जी का, जहाँ पे आए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा नेपाल टूर चल रहा है, अगर किसी ने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो वो जाकर देख ले, और जो नया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो अभी नेपाल में हम कुछ दिन यहाँ सोच रहे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ की आपको दिखाए नेपाल की। तो आज हम विष्णु टेम्पल आए, तो आप लोगों को विष्णु टेम्पल दिखा दे। तो जी आगे अभी हम विष्णु जी के मंदिर में एंट्री हो रही है यहाँ से। तो जी मंदिर में अंदर एंटर हो चुके हैं, हम अंदर जा रहे हैं अभी, देखेंगे। पहली बार दर्शन करूँगा विष्णु भगवान के, मैंने अब तक दर्शन करे भी नहीं है, ना ही मैं साउथ में गया, क्योंकि साउथ के अंदर काफ़ी सारे मंदिर है विष्णु जी के, लेकिन मैं गया नहीं हूँ साउथ में। कभी ट्रिप लगेगा साउथ का तो जाऊँगा। अभी जैसे नेपाल में आए हुए, तो नेपाल के अंदर ये काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ, और हरिहर बाबा है कोई, उनके नाम पे इन्होंने ये मंदिर बनाया है। इसकी जो सच्चाई है, कहानी है यहाँ की, यहाँ के बारे में जितना भी कुछ मैं किसी से पूछूंगा, बात करूंगा कि यहाँ कैसे ये मंदिर बनाया और क्या, तो अंदर जाएंगे अभी दर्शन करेंगे, तब किसी से पूछेंगे भी। तो भाई मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है। नेपाल में इकलौता मंदिर है ये विष्णु जी का, और काफी लोग यहाँ आते हैं। तो भाई अंदर से ये है मंदिर। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ विष्णु जी के मंदिर में, मैं ना तो साउथ में कभी गया, साउथ में अगर जाता तो वहाँ विष्णु के मिल जाते, और यहाँ पे अभी नेपाल में आए तो ये देख लेते हैं। काफी प्यारा मंदिर है। तो भाई सोच रहा हूँ यहाँ मंदिर में किसी से मैं पूछूँ थोड़ा यहाँ के बारे में, अगर कोई हिंदी बता दे, क्योंकि सब नेपाली बोल रहे हैं और हिंदी में बता दे तो और भी बेस्ट है। तो किसी पंडित जी को पकड़ता हूँ और फिर उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या है यहाँ के बारे में। तो चलते हैं, अब किसी से बात करेंगे। हरि और हर का दोनों स्वरूप है, शिव और विष्णु का दोनों का स्वरूप है। हई वो एक कहानी है, पराकर काल में एक द्वापर युग में यहाँ एक चित्रकृति नाम के राजा ने राज्य करते थे। वो दैनिक बद्री और केदार के दर्शन करने के लिए उधर चलते थे। वो भगवान कहा कि तुम बहुत दुख हो जाएगा, वहाँ मैं ही का स्वरूप इधर रहते हैं। वो कहा उसके अनुसार यहाँ भगवान भीम ने बड़ा एक शिला लेकर कूद कर भगवान का मूर्ति खड़ा किया, अने वही भगवान का मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया, अथवा भनम न किया, और भयम भगवान स्वयं अपना रूप इधर आकर बैठ गया। अने उस काल देखि उसका राजा यहीं भगवान का दर्शन किया, पूजा पाठ किया, समय बीत गया, अने वो बारिश हो जाएगा, सब खत्म पूर गएगा। पूर्व गएगा ऊ मान्छे वन का वृद्धि हो जाएगा, उसका मान्छे का खेत जान दिए खल हो इधर है, उसका खल में बहुत धान जाएगा, झाँड गएगा, धान डबल हो जाएगा। क्यों डबल जाएगा? एक किसान ने खोतल गया, वो देखा है भगवान का विशाल मूर्ति, वो खोदने क्रम में भगवान का दाहिने पैर काट गएगा है, अभी वहाँ से खून आएगा, वो अभी भगवान की विशाल मूर्ति तो भाई ये है मंदिर विष्णु जी का, यहाँ सामने लेटे हुए से यहाँ पे अंदर चलते हैं। तो भाई ये भाई यहाँ ये बेच रहे हैं रुद्राक्ष, कह रहा है ओरिजिनल रुद्राक्ष है, और एक मुखी भी है इसमें, पांच मुखी भी है, छह मुखी भी है, सब बेच रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा, तो बेचने के लिए ये भाई भी बेच रहा है इधर।
तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने का एक मछली है। ये मंदिर के बाहर ही बेच रहे हैं यहाँ, और ये रुद्राक्ष यहाँ पे सेल कर रहे हैं 500 रुपए में बेच रहे हैं भाई एक मुखी। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।